ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज की पांच बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। ये वीडियो पनवेल का है, जहां मूसलाधार बारिश से नदी में पानी का उफान तेज हो गया, पर इसी दौरान युवक अपनी कार नदी के दूसरी तरफ ले जाना चाह रहा था, मगर गाड़ी बहने लगी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने युवक और कार को नदी से बाहर निकाला। महाराष्ट्र में पुणे में शुक्रवार को तेज बारिश के दौरान दीवार गिरने से मरने वालों की तादाद 15 हो गई है। लैंडस्लाइड की वजह से नीचे बने झोपड़ों में मलबा गिरा, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। बिल्डर के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज किया गया है। मुंबई से सटे भयंदर रेलवे स्टेशन पर बारिश के दौरान चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने वाले युवक को भारी पड़ा। घटना CCTV में कैद हो गई है। देखें कि किस तरह से युवक चलती हुई ट्रेन में चढ़ने की कोशिश किया और गिर गया, मगर मौके पर RPF ने इसे बचा लिया। आप भी चलती ट्रेन में ना चढ़ें और ना ही उतरने की कोशिश करें। गुरुग्राम के खिटकी दौला टोल प्लाजा का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक कार चालक की गुंडागर्दी देखी जा सकती है। टोल नहीं दिया और खुद बैरिकेड हटाकर कार को आगे ले लिया। इस दौरान टोल प्लाजा के प्रवक्ता अपने साथियों मुंब्रा के रसीद कंपाउंड में शिवसेना सहकार विभाग की तरफ से बारिश के मौसम में बारिश से बचने के लिए ठाणे जिला अध्यक्ष जंगम अब्दुल सलाम और तमाम कार्यकर्ताओं ने गरीबों को छाता वितरित किया। 30-35 छतरिया बांटी गए, बाकी के लोग बारिश की वजह से कहाँ रुके हुए हैं। बड़े पैमाने पे छाता बांटअप करते हैं हर साल। माननीय श्री एकनाथ जी शिंदे साहब के मार्गदर्शन पर शिवसेना सहकार विभाग हमेशा आगे रहता है हर चीज में। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम।